बढ़ते आगे टोंक में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। घाड़ SHO गंगाराम ताखर को सस्पेंड किया गया है। दुष्कर्म के प्रकरण को दबाने पर सस्पेंड किया गया है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने इसे लेकर आदेश भी जारी किए गए हैं। टोंक में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर, जब घाड़ SHO गंगाराम ताखर को सस्पेंड कर दिया गया है। दुष्कर्म के प्रकरण को दबाने को लेकर ही इन्हें सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई इन पर की गई है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने जारी किए हैं इसे लेकर आदेश, जब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। प्रमुखता से इस खबर को फर्स्ट इंडिया ने उठाया। खबर का बड़ा असर हुआ जब एक्शन लिया गया है। घाड़ SHO गंगाराम ताखर को सस्पेंड किया गया। टोंक से संवाददाता जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, बड़ी कार्रवाई की गई है, खबर का असर हुआ है, अब जाकर इन्हें सस्पेंड किया गया। ये तो सस्पेंड जरूर कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक महीने तक इस मामले को दबाया क्यों रखा। सबसे बड़ी बात ये कि जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, उनसे जब इस पूरे मामले में बात करना चाहिए तो वो जो अय्यन हैं उसको अब भी बचाने में जुटे हुए हैं। अय्यन लगातार उसके पीड़िता के जो परिवार वाले हैं उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। सवाल उसके अंदर, उसके बाद चूंकि खबर मीडिया के अंदर, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को चलाया, प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद IG ने जांच के आदेश दिए और SP ने एक्शन लिया। क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि जब तक खबर मीडिया में नहीं आएगी तब तक ये पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जियाउद्दीन, इसलिए हम बार बार सवाल उठाते हैं कि क्या मीडिया जिन खबरों को दिखाएगा उसी पर एक्शन करके ही तिश्री की जाएगी, या उन खबरों को भी उठाया जाएगा, सामने लाया जाएगा, लेकिन होता नहीं है। जियाउद्दीन, अब जबकि इस खबर पर चलिए तुरंत अगर देखा जाए तो कार्रवाई SHO के खिलाफ की गई है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या ये कार्रवाई सस्पेंड तक ही सीमित रहेगी? देखिए, सस्पेंड तक नहीं, क्योंकि एक आरोप जितना अपराधी को जितना जुर्म मिलना चाहिए उसको दबाने वाले को ही कोर्ट की नजर में उतना ही जुर्म माना जाता है। क्योंकि इन सभी पुलिस कर्मियों ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है। ऐसे के अंदर ये सब उस आरोप के अंदर जो अपराध किया था उसके अंदर सहभागिता करते नजर आते हैं। हो सकता है कि अब पुलिस को इसमें चाहिए कि जो जो पुलिसकर्मी दोषी है उनके खिलाफ 120B के तहत, क्योंकि उन्होंने साजिश रची, उन्होंने षड्यंत्र रचा है पूरा। इसके पीछे वजह क्या है? पुलिस क्यों साथ दे रही थी, क्यों मामले को दबाने की कोशिश की गई? ये तो एक पहला मामला नहीं है जो टोंक जिले की कार्यशैली पे निशान सवालिया निशान खड़े करता है। पूर्व में ऐसे कई मामले आ चुके हैं टोंक के अंदर। अभी हाल ही में जो सजिया वाला प्रकरण आया था जिसमें दलित नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप होता है, उसमें जो निवाई डिप्टी है उन पे आरोप लगता है कि वो पीड़िता को डरा धमका रही है। 164 के बयान के अंदर आरोपियों को नाम नहीं लेने का बोल रही है। जब फर्स्ट इंडिया खबर दिखाता है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और मामला दर्ज होता है। क्योंकि अब तक पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, लगातार आरोपी पीड़िता को धमका रहे हैं। हर मामले के अंदर इसी तरह की कार्यशैली टोंक पुलिस ने अपना रखी। क्योंकि पुलिस टोंक पुलिस के ऊपर, या यूं कहा जाए कि बजरी का मामला हो या महिला सुरक्षा का मामला हो या महिला अत्याचार का मामला, पुलिस पूरी तरह से गंभीर नजर नहीं आती और उसी का नतीजा ये कि पुलिस की कार्यशैली पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, काफी रोजाना दागदार हो रही है। बिल्कुल। और SHO के साथ और कितने पुलिसकर्मी है जियाउद्दीन, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई क्या, जिन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की है? लगातार अभी भी धमकाया जा रहा है महिला को, उसके परिवार को। ठीक है, इस पूरे मामले के अंदर जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई, जो हमारे सोच से उनसे बात हुई, उसमें यह कहा गया कि प्रथम दृष्टया, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है थाने को चलाने की थाना अधिकारी को, इसके अंदर थाना अधिकारी को दोषी माना गया। उसके बाद उसके बयान लिए जाएंगे और जो जो उसके अंदर पुलिसकर्मी दोषी थे, क्योंकि उस दिन जो मौजूद रहे थे, जो चौकी के ऊपर जो मौजूद रहे थे, चौकी इंचार्ज जो मौजूद थे और जो DO ड्यूटी के ऊपर थे, जो थाना जो पुलिसकर्मी वहां पे गए थे उसको पीड़िता को समझाने के लिए, पैसे दिलवाने के लिए, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि प्रथम दृष्टया कार्रवाई की जानी थी क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना था, टोंक पुलिस अपनी साख को बचाना था, इसके चलते थाना अधिकारी को सस्पेंड किया गया। फिलहाल अगर इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच की गई तो कई लोग इसमें जद में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि रेप का मामला है तो देवली जो CO है उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने की। पीड़िता का यह कहना है कि देवली CO के पास भी गई, कई अधिकारियों के पास भी गई, लेकिन किसी ने गुहार नहीं सुनी। और साफ तौर पर उसने ये कहा कि जो अय्यन था उसने पुलिसकर्मियों को भी पैसे दिए थे और इसी के चलते उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। और पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर आदेश भी दे दिए सस्पेंशन के, लेकिन इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने कितने गंभीरता से इस मामले को लिया है जियाउद्दीन? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस अधीक्षक को ज्वाइन करे भाई 5 दिन हुए हैं, क्योंकि आज ही उनका मामला फर्स्ट इंडिया की खबर चलने के बाद उनके सामने आया। सामने आते के साथ ही तुरंत एक्शन लिया, पीड़िता का जो मामला था SP ऑफिस में बुला के पीड़िता का मामला दर्ज करवाया, थाना अधिकारी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए। इस तरीके से देखी जाए पुलिस अधीक्षक की भूमिका इसके अंदर पॉजिटिव नजर आई, कहीं ना कहीं पीड़िता को न्याय दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अधीनस्थ पुलिसकर्मी जो पूर्व से यहाँ पे लगे हुए काफी सालों से जमे हुए उनके खिलाफ पूर्व के
अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते, क्योंकि पिछले एक महीने से ये मामला चल रहा था, पुलिस को दबाने के अंदर जुटी हुई थी, ऐसे के अंदर पहले वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है और जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन सीईओ की बनती है जिसके सर्किल के अंदर ये। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, और सवाल अब ये भी उठता है कि मामला दर्ज न करने को लेकर पुलिस पर सवाल कई बार उठ चुके हैं, लेकिन अब जबकि प्रदेश सरकार ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मामला दर्ज होगा और अगर दर्ज नहीं किया जाता उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन शायद इस बात का भी डर इन पुलिस कर्मियों को नहीं है। तभी एक महीने पुराना ये मामला है, लगातार मामले दर्ज करने की बात कही जाती रही, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो मामला दर्ज किया जाता है और ऊपर से महिला उसके परिवार को धमकाया भी जाता है। हालांकि अब क्योंकि नए पुलिस अधीक्षक आए हैं, एक्शन में आए हैं, सस्पेंड किया गया है, लेकिन देखना होगा आगे इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता के साथ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन आपका इस पूरी बातचीत के लिए।